हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे गेस्ट फैकल्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि मैं आपको अपने इसी चैनल पर यूजीसी नेट से रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ। क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 10, इस तरीके से क्लासेस आ रही हैं। सो आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें, इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। डेली शाम को 8 बजे क्लास आती है हमारे इसी चैनल पे, तो आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए। यह कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड आप क्लास हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं अपने इसी चैनल पर। तो गाइज, जो वैकेंसी निकल के आई है, ये निकल के आई है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की तरफ से, और ये जो वैकेंसी है इसका नोटिस आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो नोटिस है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कंप्लीट चीज़ें कि क्या रहने वाला है यहाँ पर प्रोसेस। सो ये कंप्लीट नोटिस निकल के आया है, आप देख सकते हो। ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, आज 5 मार्च को नोट का नोटिस है ये। आज मैं 12 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आई थिंक अप्रैल के एंड में। मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहले मैं आपको समझा दूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कम्प्लीटली या तो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर गेस्ट मोड में है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर बट आपको अगर SC ST OBC का एडवांटेज चाहिए, तो फिर उस केस में आपको यूपी का ही SC ST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, OBC की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अदर स्टेट से हो तो आप एज जनरल अप्लाई कर सकते हो। सपोज लो आपने OBC कैटेगरी से रहते हुए आपने नेट पास किया, और अब आप यूपी में अगर अप्लाई करते हो तो जनरल से अप्लाई कर सकते हो, उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा वैलिड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइस देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपके सामने है ये मेंशन है, आप देख सकते हो। फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हिंदू स्टडी, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर है, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज यहाँ पर है। और मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन, लॉ, लॉ के अंदर 4 वैकेंसी हैं। इसके अलावा हिंदी है, संस्कृत, जर्मन, एग्रीकल्चर, कर्मकांड हो गया, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, मैथ, कॉमर्स। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी, मिलिट्री स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स। तो ये क्या है कि लाइक अलग अलग कैंपस में कॉलेज यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, पूर्वा उन्नाव में है, और ये जो कॉलेज है ये है रूड़ी उन्नाव में। तो अलग अलग कॉलेज में हो सकता है, जैसे आपको लग रहा होगा कॉमर्स यहाँ भी है, कॉमर्स यहाँ भी है, तो अलग अलग कॉलेज है, ये कॉलेज अलग है, ये कॉलेज अलग है, मतलब है ये इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट। जो छत्रपति साहू जी यूनिवर्सिटी है वो उसी यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज है सारे के सारे ये। और आगे आप देख सकते हो, प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पर एक कॉलेज में। इसके अलावा हिंदी हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हिस्ट्री, और मतलब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे एक और कॉलेज है यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपकमिंग डेज में किसी और यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलेंगे तो उससे अब उसका अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अमाउंट आपको मिलेगा, ग्रेड पे फॉर अपॉइंटमेंट अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल मोड फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम कोर्सेज शैल बी, प्रिंसिपल के लिए होगा 40 से 60 हज़ार, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा 30 से 50 हज़ार के बीच में। ये है कॉन्ट्रेक्चुअल मोड वाला। और अगर हम बात करें गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो गेस्ट फैकल्टी में ₹500 मिलेंगे आपको एक लेक्चर के, एक क्लास के आपको पर पीरियड के ₹500 मिलेंगे। मैक्सिमम पेमेंट 25 हज़ार की जाएगी। तो ये गेस्ट वालों के लिए है, बट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस जो आपको, जो कॉन्ट्रैक्ट मोड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होगा उनका 30 से 50 हज़ार के बीच में जो है अमाउंट देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और उनका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग। फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 10 मार्च से लेकर के स्टार्ट होगी, आज मैं 12 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब आपके पास इनफ टाइम है। 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग चलेगी, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तो मार्च ही चल रहा है ना, अभी तो आप 30 अप्रैल के तक जो है फॉर्म फिलिंग चलेगी यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। द डॉक्यूमेंट द एप्लीकेशन फीस ₹2500, 2000 SC ST कैंडिडेट्स के, वो भी यूपी के होने चाहिए। अगर कहीं बाहर के हैं तो फिर तो ₹2500 ही लगेंगे। अब मुझे चीज़ यहाँ पर ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मोड है, गेस्ट फैकल्टी है, तो ₹2500 आप इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों चार्ज कर रहे हो, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बिकॉज अगर ये परमानेंट पोस्ट होती तब तो चलो समझ में आता है, बट वो परमानेंट के केस में भी इतनी ज़्यादा फीस तो सही नहीं है, ₹1000 बहुत ज़्यादा होते हैं फीस के। बट एक तो ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप ₹2500 चार्ज करो फीस के, तो बहुत ज़्यादा हो गया। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो आपको यूपी का ही के होने चाहिए, आप SC ST OBC अगर हो तो यूपी के तो ही आप
अप्लाई कर सकते हो रिजर्व कैटेगरी से, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बाकी मैंने आपको डेट वगैरह बता दी अप्लाई करने की, 10 मार्च से स्टार्ट है, 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। फीस मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ेगी, कहाँ पर एड्रेस गिवन है यहाँ पर, इस वाले एड्रेस पे आपको अपनी हार्ड कॉपी भी जो है सेंड करनी, निकाल करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बाकी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप इस वाली वेबसाइट पर आकर के, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आकर के टीचिंग SFS कोर्स वाले पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब फ्यूचर में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जून 2024 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, या दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो वैसे किस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे, सिंपली आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।